हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बेहद ही ज़्यादा असरदार घरेलू नुस्खा। बिना मारे ही आप आसानी से घर से चूहों को भगा सकते हो इस घरेलू नुस्खे को अपनाकर। तो अगर आपके घर में भी चूहे हो गए हैं, आप चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। घर में अगर चूहे हो जाते हैं तो रहना मुश्किल हो जाता है। चूहों में से बहुत ज्यादा बैड स्मेल सी आती है और ये नुकसान तो बहुत ही ज्यादा करते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए घरेलू नुस्खा जो है तैयार कर लेते हैं। किचन की ही चीजों में हम एक ऐसा पावरफुल सॉल्यूशन बनाकर तैयार करेंगे जिसको खाकर बिना मरे ही आपके घर से चूहे 9-2-11 हो जाएंगे और दोबारा आपके घर के आसपास भी नहीं दिखाई देंगे। तो यहां पर सबसे पहले आपको कोई ऐसा बाउल लेना है जिसको आप यूज नहीं करते हो, और बाउल लेने के बाद में आप उसमें चाहे तो गेहूं का आटा ले लीजिए, बेसन ले लीजिए, मैदा ले लीजिए, जो भी आपके पास चीज़ें हो वो आप इसमें यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा ले लिया है। दोस्तों, जितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है उसी के हिसाब से आप सामान ले सकते हो, और देखिए जितना बड़ा घर हो उसी के हिसाब से आप ले लीजिए, क्योंकि चूहे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो जगह जगह आप जब ये चीज़ों को बना के रखोगे ना तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। तो आटा लेने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई सी चीज़ें जैसे कि हैंड वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, या फिर लाइजोल हो गया, फर्श क्लीनर हो गया, हार्पिक वगैरह कुछ भी आप इसमें डाल दीजिए और एक डो बनाकर तैयार कर लीजिए। तो दोस्तों, इसको खाकर है ना चूहा गेहूं का आटा देखकर जरूर से जरूर इसको खाने के लिए आएगा, लेकिन जो इसमें मैं स्टफिंग रखूंगी ना उसको खाते ही चूहा बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा और बिना मरे ही आपके घर से गायब हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको इसका डो तैयार कर लेना है। या तो आपके पास अगर कोई भी चीज़ें नहीं है तो आप कोई सिरप का यूज़ कर लीजिए, जो एक्सपायरी सिरप हो जाते हैं कोल्ड के, कफ के, या फिर फीवर वगैरह के। तो इस तरीके से आप इसमें मिलाकर और एक अच्छा सा एक डो बना लीजिए जितनी क्वांटिटी में आपको लेना है, और डो बनाने के बाद में इसकी छोटी छोटी सी आपको गोलियाँ बना लेनी है। जितनी मतलब गोलियाँ आपको यूज़ करनी है उसी के हिसाब से आप बना लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये डो तैयार हो गया है और अब मैं इसकी छोटी छोटी सी गोलियाँ बना लूँगी। ये गोलियाँ एक जरिया है चूहों को करीब लाने का। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे खाने पीने की चीज़ों में चूहे भू मार जाते हैं, सब्जी की टोकरी में आलू प्याज रखे रहते हैं उसमें काट उनको ख़राब कर जाते हैं, तो ये चीज़ें हम गलती से यूज़ कर लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है। साथ में जो अगर बारिश का मौसम है, गर्मी का मौसम है, अगर चूहे हो जाए तो मतलब स्टोर वगैरह में तो बहुत गंदी सी स्मेल भी आती है और जो कि है ना नुकसान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसी के लिए आप घरेलू नुस्खा ज़रूर तैयार कीजिए ताकि आपके घर में जितने भी चूहे हैं वो आसानी से घर से भाग जाए। तो यहाँ पर गोलियाँ बनाने के बाद में अब हमको जो इसकी स्टफिंग भरनी है उसके लिए आपको या तो आप नेफ्थलीन बॉल ले सकते हो, या फिर इस तरीके से जो पूजा वाला कपूर है ना वो भी आप ले सकते हो। तो दोनों चीज़ें मैंने आपको दिखा दिया है, जो भी आपके पास हो आप उसका यूज़ कीजिए। अगर ये दोनों चीज़ें भी नहीं हो ना तो आप एक्सपायरी गोलियों का यूज़ कर लीजिए, यानी मेडिसिन का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने जो है पूजा वाली कपूर ले ली है, ये आसानी से क्रश हो जाती है। नेफ्थलीन बॉल्स जो कि कपड़े वार्ड्रोब में हम रखते हैं वो वाली आप बॉल का भी यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर पूजा वाला कपूर लेने के बाद में अब आपको जो इसमें सामान डालना है वो है टूथपेस्ट। चाहो तो आप क्लोजअप, कोलगेट, कोई सा भी जो आप यूज़ करते हो वो डाल लीजिए। अगर आपके पास दंत कांति है तो वो ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि इसकी जो स्मेल होती है और इसमें जो बहुत ज़्यादा है ना लौंग का जो फ्लेवर होता है उसको खाते ही चूहे के पेट में बहुत बुरी तरीके से हलचल मचने वाली है। तो यहाँ पर मैंने दंत कांति का यूज़ किया है, मैं इसी का यूज़ करती हूँ इसीलिए मैंने इसमें भी यही डाला है। अगर आपके पास कोलगेट हो तो आप उसका भी यूज़ ज़रूर कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये स्टफिंग इसकी बन गई है। अब आपको क्या करना है, जो ये गोलियाँ मैंने बनाकर तैयार की है ना इसमें आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इस स्टफिंग को लगा दीजिए, और लगाने के बाद में जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं उसके अंदर आलू की स्टफिंग भरते हैं और फिर उसकी दोबारा से लोई बना लेते हैं, उसी तरीके से आपको ये आटे की भी ऐसे ही सेम प्रोसेस से गोलियाँ बना लेनी है, ताकि चूहा आटे को देखकर तो खाए आएगा ज़रूर इसके पास, और जैसे ही वो खाएगा जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं उसी को खाते के साथ वो बिल्कुल चकरा जाएगा। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा पावरफुल नुस्खा जिसको हम बिना पैसे ही घर में आसानी से बना सकते हैं। देखो दोस्तों, ना तो हमें बाहर से कोई भी दवाई लानी पड़ी है, ना ही कोई केमिकल किट
कीटनाशक चीज़ों का यूज़ किया है मैंने, घर के ही चीज़ों से मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा तैयार किया है। और दोस्तों देखिए, अगर हम चूहे मारने की दवाई घर में रख देते हैं ना तो और भी ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, क्योंकि चूहा ऐसी जगह पर मर जाता है ना तो हमें ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है और उसकी बदबू हमें बर्दाश्त भी नहीं होती और पूरा घर हमें बिखेरना पड़ता है ताकि हम उस चूहे को ढूंढ पाएँ और उसको घर से निकाल सकें। लेकिन जब हम घरेलू ही चीज़ें अपनाकर इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं तो मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आसानी से आपके घर के सारे चूहे भाग जाएंगे। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया, तो चलिए इसको यूज़ करना भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, रात का टाइम हो जाए ना तब आप जब लाइट्स ऑफ करो तो जगह जगह इनको रख दीजिए, जहाँ पर आपको लगता है कि चूहा इधर से ज़रूर आएंगे और यहाँ पर ज़रूर रहते हैं तो उस जगह पर आप रख दीजिए। जैसे कि सिलेंडर के पास आप इसको रख दीजिए, सोफे के नीचे आप इसको रखिए, पलंग के नीचे रख दीजिए, फ्रिज के पास, मतलब जहाँ जहाँ पर भी आपको लगे कि चूहा इधर ज़रूर आता है, लकड़ी की चीज़ों को काटने की चूहा ज़रूर सोचता है, तो आप यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। पलंग के नीचे बिल्कुल रखना ना भूले, क्योंकि चूहा छुपने के लिए भी जगह ढूंढता है, तो आप ऐसी जगह पर इन गोलियों को रखिएगा ताकि चूहा इनको आसानी से खा सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने रख दिया है, आपका घर में अगर स्टोर में बहुत ज़्यादा चूहे हो रहे हो तो वहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर इन गोलियों को रख दीजिए। और देखिए दोस्तों, रसोई में रखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो किचन में मेन चूहों का पूरा हल्ला होता है, रात के समय जब हम सो जाते हैं तो चूहे यहाँ पर ज़रूर आते हैं खाने पीने की चीज़ों को देखने के लिए और ढूंढ खुशबू सूंघकर वो इन गोलियों को ज़रूर खाएंगे और खाते ही ज़रूर से ज़रूर आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा पावरफुल सा नुस्खा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा चूहों को भगाने के लिए। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।